घर की इकलौती महारानी होने के नाते मुझसे अनानास के सर पे ये ताज बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे उखाड़कर गमले में ठूंस दिया। कोई सेंस है इस बात? इसके बाद ये सीधा खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इसे नीचे से काट कर मैंने सीधा खड़ा कर दिया, पूरा छील कर सफा चट नंगा पुंगा कर दिया। शाबाश बेटा। लेकिन इसके बाद अनानास बुरा मान गया और बदला लेने के लिए मेरी फोटो अपने हजारों आंखों से निकाल ली, लेकिन मैं भी कहां कम थी, इसकी सारी आंखें नोच कर फेंक दी। अनानास के पास कोई हथियार नहीं बचा था और ये हमारे प्लेट में सर्व होने के लिए तैयार हो चुका था, और इस तरह से हमारी जीत भी हुई।